लोगों को क्या मालूम है कि आपके घर के अंदर हमेशा दुरूद फातिहा। एक महले में यानी मियां बीवी किराए को रहते थे, खतरे ने माशाल्लाह लाजवाब है। देखे देखे मैं रियाज एक दमा में जिद्दा अबा पहाड़ी इलाका जाने वाला, पासपोर्ट बन गया। अब्बास को लेके जाते साथ में? नहीं नहीं, इंशाल्लाह पासपोर्ट बन गया तो उनका भी लिंगो भी लेके चल जाएगा। अब्बास हैदर रोती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं असरार काशिफ और एक नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से खुश आमदीद। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ निज़ामाबाद में। ये बोर जो आप देख रहे हैं तकरीबन 300 फीट है, लेकिन अभी भी पानी आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला देखिए आजमाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश में डालता है इंसान को। इंसान को खुद चाहिए कि जो है जो भी काम करे बिस्मिल्लाह पढ़ करके करे, अल्लाह पर भरोसा रखे, क्योंकि नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है। कुछ लोग क्या है नारियल फुड़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या सब जो है बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, है ना। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, कुल अरअयतुम इन असबाहा माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन, कि ऐ नबी आप कह दो अगर अल्लाह ताला ये बहता हुआ पानी ज़मीन के बिल्कुल नीचे ले करके चला जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए पानी ले करके आएगा। ये हमें सोचना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार कोशिश किया आपने, पानी नहीं निकला, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह करें, दूसरी जगह ट्राई करें आप। लेकिन अपना ईमान हमें गंवाना नहीं चाहिए कि हम जो है शिर्क करके कुफ्र करके जो है अपने ईमान का हम सौदा कर दें। अभी हम नाश्ता करते हैं, न तुझको आती है न तुझको नींद आती है फिर भी तेरी मर्जी सारी दुनिया को सुलाने में। तो सुबह हम लोगों ने यहाँ अर-रहमान होटल में नाश्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह में मैं कहाँ रहूँगा, शाम में मैं कहाँ रहूँगा, बस प्लान करता है, लेकिन सबसे बड़ा प्लान अल्लाह ताला कर रहा है। होता वही कि मैं खाना कहाँ खाऊंगा, भोजन में रहने वाला नहीं। अल्लाह ताला जो है लिख दिया है कि लुकमा कहाँ मिलना है। सुनो कि अजीब की बात है, मैं बोल ही नहीं सकता, यानी कि भाई मैं यहाँ खाने वाला हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, चला जा रे भाई, आ जा आ जा। डालते ना पूरा, इसके बगैर जो है ना मज़ा नहीं आएगा। देखो ये होना चाहिए, देखिए इसकी टांग पाल के मैंने यहाँ अपने पास खींच लिया है। मुदीर माशाल्लाह, पराठा है क्या, रोटी रोटी है, पराठा रोटी है। प्याज के साथ बिस्मिल्लाह, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। चलिए भाई अभी कुछ देर के लिए हम रोक देते हैं, उसके बाद थोड़ा ही बराबर हो जाए, फिर आखिर में मिलेंगे। जमील भाई हमारे कर्नाटक का वाकया सुनाना चाह रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिए आप। हाँ जमील भाई बोलिए। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए चाय आ गई है, चाय के साथ हम लोग सुनेंगे इंशाल्लाह। चलिए चाचा। एक महले में यानी मियाँ बीवी किराए पर रहते थे, तो आजू बाजू वाले ले लो, महीने में 15 दिन में 2 महीने में घर खाली कराए थे। जी जी, नुकसान तो फिर हमने ले। तो ऐसे क्या हुआ, एक दिन हमारे शेख से एक आदमी पूछा वो जो घर खाली करता। जी जी जी, तो शेख ने उनको एक मशवरा दिया। सुन रहे आप? जी जी सुन रहा हूं। तो दे रहा हूं, क्यों खाली कराते घर आप, ऐसा लोग क्यों खाली कराते? तो हम लोग दोनों मियां बीवी बहुत गालियाँ ले लेते, लड़ लेते, एक दूसरे को बुरा बोला बोल लेते। जी जी, तो इसलिए बाजू बाजू वाले पड़ोस खाली कराए थे मकान। तो हमारे शेख एक मशवरा दिए उसको, शेख आप अरब भी सीख लेने से आपको कोई भी घर मकान खाली नहीं कराते। खाली नहीं कराते? जी जी जी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा अरबी से? तो लोग सुन के क्या बोलेंगे, आप दोनों मियां बीवी अरबी में बात कर लेते रहेंगे ना, आप क्या भी बोलेंगे तो लोगों को क्या मालूम होगा कि आपके घर के अंदर हमेशा दुरूद फातिहा दुरूद फातिहा और समझते लोग, इसलिए आपका घर हमेशा के लिए खाली नहीं कराते। खाली नहीं कराते जी, बारकल्लाह। ये ज़बरदस्त वाक़ है, मगर क्या आप तासुर क्या देना चाह रहे हैं इस वाक़े के बारे में? जमील भाई के जो देखिए अभी आपके आइडिया अभी मौजूद नहीं माशाल्लाह नांदेड़ में, तो आप जो भी बोलेंगे मसला नहीं, मात्र मुश्किल अल्लाह करी। जो अल्फाज जो थे घर खाली नहीं कराते, ये बेहतरीन अल्फाज है,
मगर ये दरूद फातिहा वाला किस्सा नहीं समझ में आया। चलिए इंशाल्लाह निकलते हैं फिर। बिस्मिल्लाह। तो नाज़रीन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता मुकम्मल हो गया है विथ चाय और डिकाशन, और अभी हम लोग निज़ामाबाद से रवाना हो रहे हैं भोजन के लिए। दोस्तों एक तालाब में आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ के हैं तो आपको मालूम होगा, और अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो आपको शायद पता ना हो। ये जो तालाब आप देख रहे हैं ये कौन सा इलाका है? सहारनपुर में यह तालाब है। इसके बारे में बाद लोग एक अफवाह जंगम पेट है, बाद लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि ये तालाब जो है फलां पीर साहब के सदक़े में जो है कभी सूखता नहीं है। हाँ, और लोग वाक़यात बयान करते हैं कि हमारे दादा ने ऐसा कहा था, हमारे परदादा ने कहा था। ठीक है, अकीदा हमें अपना दुरुस्त रखना चाहिए कि दुनिया में हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के साथ होती है। यानी अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो चीज़ होगी, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो चीज़ नहीं होगी। हमने यहाँ ये कह करके कि फलां पीर साहब की वजह से अपना अकीदा हमने ख़राब कर लिया। दोस्तों अगर हम ये कह देते ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी होगी तो तालाब का समंदर भी सूख जाएगा, और अल्लाह की मर्ज़ी अगर नहीं होगी तो तालाब भी नहीं सूख सकता, एक मामूली सा गड़ा भी नहीं सूख सकता, है ना, अगर अल्लाह चाहे तो हमारा ईमान सलामत रहता है। जैसे एक वाकया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ लोगों ने सुबह इस हाल में की है, वो सितारों पर ईमान लाने हो गए, सितारों पर ईमान लाने वाले बन गए और अल्लाह ताला का इनकार कर बैठे। जिन्होंने कहा कि हम पर बारिश फलां फलां सितारे की वजह से हुई है तो उन्होंने अल्लाह का इनकार किया और सितारे पर ईमान लाए, और जिन्होंने कहा कि मुतिरना बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम पर बारिश हुई है तो वह अल्लाह पर ईमान लाया, सितारों का उसने इनकार किया। तो ये होना चाहिए कि दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के साथ होती है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये बात हमें और आपको याद रख लेना चाहिए। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे जमाने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे जमाने में, तू ही है कादिरे मुतलक सदा इस कारखाने में। हम लोग बोधन पहुंच चुके हैं और दो तीन घंटे का टाइम है अभी जोहर में, तो इंशाल्लाह जब तक थोड़ा बहुत मुताला करेंगे, कुछ देर आराम करेंगे, उसके बाद जोहर में आपसे मुलाकात करेंगे। रहमतुल्लाहि वरकातुहु। दोस्तों कल का जो व्लॉग था वही आज कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी जो स्टोरी थी, स्टोरी लाइन जिसको बोल सकते हैं, वो अभी एंड नहीं हुई है, तो इसलिए जो है आज का भी इंशाल्लाह कुछ खसूसी मसरूफियात हैं जिसको हम आपके सामने दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ मस्जिद फातिमतुज़ ज़हरा के पीछे जो वेंचर है वहाँ पर, और धूप आप देख सकते हैं, चल रहे हैं हमारे हाफिज़ साहब के पास, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, और शेख ने हमको जो है दावत दी है तो देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं अभी मस्जिद फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? माशाल्लाह मौसिन साहब ये सो रहे हैं क्या? मैं काम कर रहा था बहुत सारे। अच्छा टाइम टेबल कुछ बना रहे थे क्या या फिर मार्क्स वगैरह है शायद? मार्क्स के लिए कुछ। तो ये देखें जनाब अभी दावत की माशाल्लाह तैयारी चल रही है पूरे जोरों शोर के साथ, का प्रोसेस माशाल्लाह शुरू हो चुका है जी। अच्छा इससे पहले वाला दूध फट गया था ना? जी। चलो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बरकरार रहेगा। चले भाई ये तेल लंदे, ये कौन सा स्टाइल है? बंगाल का स्टाइल है क्या? चलो खैर ट्राई तो करेंगे ना, मतलब क्या बनता है देखेंगे। अदरक लहसुन बहुत जरूरी है भाई, इसके बगैर तो मजा नहीं आएगा, है ना। ये देखिए माशाल्लाह हमारी चाय बन करके रेडी हो चुकी है, तो चलिए हम पहले चाय पीते हैं। इसको ऐसा डुबाना है इसको, ये देखिए भाई स्विमिंग पूल में, बहुत जमाने के बाद चाय और खारी खा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त,
तो चलें जी, अभी हम लोगों ने माशाल्लाह चाय पी ली है। मैं चाय पी करके ऊपर आ गया तो हमारे मौजिन साहब नीचे चले गए। ख़त्म कर दिया आप लोग? अभी है कुछ बाकी है? फिनिश फिनिश माशाल्लाह। टमाटर भाई, ये गोश्त में गोश्त गलने के बाद डलेगा क्या उसमें? अगर आपको पढ़ना हो तो इंशाल्लाह एडमिशन करा देंगे हम। अभी तो खा पहले ही था, मुखा पढ़ने का नहीं। हिफ्ज़ किए ना, पढ़ सकते आगे आप। अभी कौन है शेख जामिया? चलें जी, माशाल्लाह हमारा ये खाना अब रेडी हो चुका है। क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई? पढ़ने में समझने में क्या है? पढ़ना खामोश, बिस्मिल्लाह बोल के शुरू कर देना, और क्या है, सब्र करना पड़ता। देखिए चावल भी माशाल्लाह रेडी है भाई, बहुत गर्म है। दालन भी रेडी है भाई, माशाल्लाह। आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अभी हमारा खाना जो है बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है और हम लोग माशाल्लाह तोड़ाई करने जा रहे हैं। सब्र तो सुबह से कर रहे थे और भूख की शिद्दत से पेट में चूहे भी दौड़ रहे थे, तो चलिए देखते हैं अभी। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा खाना मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। चलिए हम खाने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, अभी अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ज़ोहर का टाइम हो गया और खाना वगैरह मुकम्मल हो गया था, खाने से भी फारिग हो गए हैं, चल रहे हैं अभी अपनी मस्जिद की तरफ इंशाल्लाह। मुलाकात करते हैं आपसे। दोस्तों हम अपनी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके थे और ज़ोहर से असर तक कोई मसरूफियत थी नहीं। शाम में हमारे ये हजरत मिल गए, इनकी ज़रा कुछ अहम अहम बातें हैं, वो भी आप सुनते जाएँ। मैं रियाज एक दमा में जिद्दा अब पहाड़ी इलाका जाने वाले हैं। हाँ जाने वाले हाँ, इंशाल्लाह पासपोर्ट बन गया। कोई अब्बास भाई को लेके जाते साथ में? नहीं नहीं, इंशाल्लाह पासपोर्ट बन गया तो उनका भी, लिंगो भी लेके चल जाते। अब्बास भाई को भी लेके चल जाते? दोनों जाएंगे साथ में? हाँ, मगर इनका खर्चा कौन उठाते? इंशाल्लाह दुआ करेंगे, खर्चा देने का भी हो जाता है। ताबीज पहने आप शायद? हाँ, पासपोर्ट है। ताबीज कहाँ है बताओ जरा? यहाँ पे बताओ जी, बोलो। ये तावीज़ा अल्लाह के बंदे नहीं पहनना ये मालूम? अच्छा, ये तावीज़ पहनेंगे तो तुम पहाड़ी इलाके में नहीं जा सकेंगे, बाढ़ से ऊपर चले जाते आप। अच्छा, ये तावीज़ में कुछ भी नहीं रहता, इसको पहली फुर्सत में निकालो, ये जिन्नात तुम्हारे शैताना तुम्हारे पीछे लगे हुए रहते हैं पहली बात। अच्छा, तो इसलिए इसको पहली फुर्सत में आप निकाल दो, ये जो है ये, समझ रहे? ठीक है इंशाल्लाह। अरे इसको काट दो जी, मैं काट देता हूँ बिस्मिल्लाह बोल के, कुछ भी नहीं होता, ये तुम्हारे जान की आफत है ये। इसको गले में डाल के घूम रहे तुम, और इसके ये गले में डाले हुए अगर तुम्हारी मौत हो गई ना तो शिर्क की हालत में मरते तुम, मालूम? अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने ताबीज लटकाए उसने शिर्क किया। अब आप ये लटका के है तो बताओ, ये मतलब अपने आप को आप धोखे में डाल रहे हैं ना? तो लिहाजा क्या करना, इसको निकाल देना पहली फुर्सत। अच्छी बात है, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। नहीं दुआ करेंगे नहीं, इसको निकाल देंगे बिस्मिल्लाह बोल के, कैंची से काटेंगे। नहीं घर को जाके निकाल ले तुम। देखो तुम घर को जाके निकालो ना निकालो, मेरा नुकसान नहीं होता। अच्छा। मेरा काम है बताना, मैं आपको बता दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताया। मेरा काम है बताना, मैं बता दिया। क्योंकि देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन मना किया है। अच्छा, ये नफा नुकसान पहुंचा सकती, ये फायदा पहुंचाती नहीं पहुंचाती, ये तावीज नुकसान रोकता नहीं रोकता। नफा नुकसान का मालिक कौन है? कौन है नफा नुकसान का मालिक? अल्लाह है। अल्लाह है, तो जब अल्लाह नफा नुकसान का मालिक है तो तावीज कही को? सही बात है। जब अल्लाह नफा नुकसान का मालिक है तावीज कही को फिर? अच्छी बात है। तो लिहाजा इसको पहली फुर्सत में आप बिस्मिल्लाह बोल के निकाल दें। ठीक है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और कल आते ना आप? कल आए जब आप इसको लगा के बताइए इंशाल्लाह। अच्छी बात, ठीक है। चलिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह, सऊदी लेकर के जाए और जहाँ भी आप जाना चाह रहे जाके आइए। ठीक है, ठीक है। मिलिट्री में क्या हुआ था आपका मसला? नहीं, अब हाँ पहाड़ी इलाका तो जाना चाह रहा हूँ, जाना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या करते जाके? कोसा भी ड्राइविंग का रहने, लेबर का काम कोसा भी कर लेते। एग्जाम का बोले थे वो एयरफोर्स में, तो एग्जाम में नहीं, वो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली तेलंगाना हकीपेट में गिरी थी। वो रैली को भी मैं कंडक्ट नहीं हुआ, फिटनेस से नहीं था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वरंगल गिरा था ना, वरंगल में भी जब मैं वो जगत्याला के नहीं उतरगा, वो भी फिटनेस नहीं था, मेरे फिटनेस प्रॉब्लम नहीं था और पेट में बहुत दर्द रहा था। तो इनके अब्बास भैया के छोटे भाई बोले, असल वरंगल में या तो पोस्ट कभी भी आ जाना, जगत्याला हजूराबाद करीमनगर कभी भी नहीं उतरना बोल के बोले। ठीक है इंशाल्लाह दुआ करेंगे सोल्जर जी। वरंगल एक जगत्याला एक हजूराबाद करीमनगर कोरुटला मेटवाली नहीं उतरना, जहाँ पोस्ट दिया वहाँ उतरना बोल के बोले। इंशाल्लाह दुआ करूँ आते रमजान में पूरे रोजे रहे तू। पहले
जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। इंशाल्लाह कहीं को बोल तो दुआ कर रो कि रियाज एक दमा में जीता, बाहर इलाका का पासपोर्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम।